नंदगोपाल नंदी एक बार फिर मंत्री बनने की राह पर हैं, जिसके साथ ही लखनऊ में कालिदास मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 6 का मिथक भी टूटने जा रहा है। और अभी तक यही माना जा रहा है कि जो भी इस बंगले में आया वो दोबारा मंत्री नहीं बन सका है। किसी का पद गया तो किसी को जेल मिली और किसी की जिंदगी ही नहीं बची। योगी सरकार फिर 2022 में चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रही है। प्रचंड बहुमत दोबारा मिला है, लेकिन हम आपको एक ऐसे बंगले के वहां पे लेकर आए हैं जहां पिछला 5 साल नंदगोपाल नंदी, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे और विभाग थोड़े बहुत बदलते रहे, लेकिन आप इस बंगले को गौर से देखिए, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो जरूर आपको चौंकाएगी भी और आप जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि आखिर इस बंगले को हम दिखा क्यों रहे हैं, इसमें खास क्या बात है। लखनऊ में कालिदास मार्ग पर सीएम और डिप्टी सीएम के बंगले के बीच बंगला नंबर 6 अब तक अशुभ माना जाता रहा, क्योंकि जो भी यहां रहने आया या तो दोबारा उसे मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, या तो वो जेल चला गया या फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। जैसे अमर सिंह जी थे और भी बहुत सारे मंत्री, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो तमाम जी कई मंत्रीगण रहे हैं, तो ये एक मतलब कि एक रहा भी है कि वाकई में वो दोबारा यहाँ रहने के बाद विधानसभा में वो दोबारा नहीं आ पाए। आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग इस बंगला नंबर 6 में रहे और उनका क्या हश्र हुआ। एसपी सरकार में मंत्री रहे वकार अहमद शाह भी इसी बंगले में रहे, बीमार हुए तो ठीक ही नहीं हो पाए। एसपी कैबिनेट में रह चुके आशु मलिक भी इसी बंगले में रहे, लेकिन जीतने के बाद भी मंत्री बनना नसीब नहीं हुआ। और कभी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीब रहे अमर सिंह को भी यही बंगला मिला था। उनका राजनीतिक करियर भी चौपट हुआ और बीमारियों की वजह से वो दुनिया से भी रुखसत हो गए। लेकिन 2007 में जब इलाहाबाद से नंदगोपाल नंदी विधायक बनकर इस बंगले में आए, उन्होंने इस बंगले में 5 साल पूरा किया, फिर विधायक बने और मंत्री भी बनने के पूरे चांस हैं। लिहाजा योगी की तरह उनके इस मंत्री ने भी इस मिथक को तोड़ा है। कुछ दिखा वुखा या कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लोग सारे लोग रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये भुतहा बंगला मतलब शुभ है? बिल्कुल शुभ है, बिल्कुल शुभ है। ये शुभ अशुभ ये सारी चीजें आपके मनोदशा पे निर्भर करती हैं कि आप सोचते कैसे हैं, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी कार्यप्रणाली कैसी है, आपकी पद्धति कैसी है। हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा जनसेवा में रहे, उन्होंने काम किया है, पब्लिक ने उनको दोबारा मौका दिया है, वो आए हैं। मंत्री के पीआरओ मानते हैं कि बंगला शुभ या अशुभ नहीं होता, गड़बड़ी तो उस शख्स की सोच और काम में होती है जो यहाँ रहता है, वरना नंदगोपाल नंदी दोबारा भारी मतों से कैसे जीतते और कैसे उन्हें दोबारा मंत्री बनने का चांस मिलता। नंदी मंत्री बनेंगे तो इसी बंगले में बरकरार रहेंगे। बालाजी हैं, ये मंत्री जी के पीआरओ रहे हैं और इनकी उसमें खुद ही अपनी बातों में खुद बता रहे हैं कि किस तरह का इस बंगले को पहले भुतहा या अशुभ बंगला कहा जाता था। जीवन में तरक्की नहीं, राजनीति के क्षेत्र में कभी तरक्की नहीं हुई, जो भी यहाँ आया उसका कैरियर खराब ही हुआ। उन दोनों के बीच में ये एक अशुभ बंगला है, लेकिन इसके बावजूद भी नंदगोपाल नंदी के लिए शुभ रहा, वो वापस से जीत के आए हैं और वापस वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे। कम से कम उनका ये स्टाफ मान रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस बंगले से तरक्की हुई है, ना कि ये भुतहा बंगला है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।